हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय शो करने वाली हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बगैर समय वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय का उल्लेख कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा चार ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय शो कीजिए। तो आपको चार ऑप्शन में से जो आपको सुटेबल लगे, यानी जो अच्छा लगे, उन्हीं का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। तो यह प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका ही जीवन परिचय शो किया है। तो जो लिखने की शब्द सीमा होती है वह है 80 शब्द। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा 80 शब्द से ऊपर ही लिखे और हमेशा मेन पॉइंट को आप हाईलाइट कर दें, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए इनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए। हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। सन 1882 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इन्होंने आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी संकट आ गई इनके सामने। सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई। साहित्यिक परिचय। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया। रचनाएं। हरिऔध जी गद्य पद दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इनके द्वारा रचे गए काव्यों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण को भक्तों के भगवान के रूप में नहीं, अपितु जननायक और जनसेवा के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा है विद्रोही वनवास। इस प्रबंध काव्य में युग अनुरूप नए आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा है रस कलश। यह रचना काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए की गई। इसमें कवि की प्रारंभ में रची गई सिंगारी कविताएं संकलित हैं। उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाट, प्रेम कांता। और अगला है अन्य ग्रंथ। इनके अतिरिक्त हरिऔध जी के अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: रुक्मिणी परिणय, बोलचाल, पारिजात इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।